नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हेमाटोमा का इलाज करेंगे। हेमाटोमा क्या है इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे, साथ में हेमाटोमा का इलाज करने के लिए इस्तेमाल के करने वाले थ्रोम्बोटास ऑनमेंट का रिव्यू देखेंगे। ये हेमाटोमा क्या है इसके बारे में ब्रीफली जानकारी भी लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हेमाटोमा है, हेमाटोमा ज़्यादातर ट्रॉमा के कारण होता है। सबसे आम बात है कि आपको हेमाटोमा है। हम ट्रॉमा को लेकर वाहन दुर्घटना होने से, गिरने से, सिर में चोट लगने से, टूटी हड्डियों के कारण या अन्य किसी कारण अगर झगड़े हो गए तो भी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर काला नीला हो जाता है, वहाँ पर खून जमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, लाली हो जाती है, कोमलता और वहाँ पर गर्मी का एहसास होता है, महसूस कर सकते हैं आप कि वहाँ पर गर्मी है, दर्द होता है और सूजन हो जाती है, तो उसका इलाज करने के लिए ये थ्रोम्बोटास ऑइंटमेंट है। थ्रोम्बोटास ऑइंटमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रभावित क्षेत्र के आसपास जो भी कोमलता और गर्मी है वो दूर हो जाती है और आपका जो भी बीमारी है हेमाटोमा की, यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट काला नीला होना एक्सीडेंट के बाद, कोई फाइटिंग के बाद या फिर कोई गिरने के बाद, सिर में चोट लगने के बाद, टूटी हड्डियों के कारण ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड वेसल्स वहाँ पर रप्चर हो जाती है, खून बाहर निकलता है, तो उसे कहते हैं हेमाटोमा। तो मार्केट में मिलने वाले ये थ्रोम्बोटास जो ऑइंटमेंट है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो थ्रोम्बोटास है इसमें है हेपेरिन सोडियम और बेंजाइल निकोटिनेट। यहाँ पर लिखा है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ये इंटर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि मिलेगा आपको सिर्फ 65 रुपीज़ में। थ्रोम्बोटास ऑइंटमेंट यहाँ पर इंडिकेशन दिए है, इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्सलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हेमाटोमा और अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और इसमें लिखा है कि थ्रोम्बोफ्लेबिटिस सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट में खून जमा होना, वो ज़्यादातर काला या नीला दिखता है, सुपरफिशियल ब्लूशिस का इलाज करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसे आप 2 बार लगा सकते हैं, 3 बार लगा सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार लगाने के बाद आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सी ऑइंटमेंट है, हर कोई अपने घर में ये ब्रांड को रख देना, क्योंकि गुस्से वाले जो लोग हैं उनके कारण हेमाटोमा हो सकता है। अगर आपको वीडियो और दी हुई जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।